चतरा जिले के कान्हा चट्टी थाना अंतर्गत चतरा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तमाशीन जलप्रपात में गया जिले के इमामगंज के 5 युवक पिकनिक मनाने आए, उसमें से एक युवक ऋतिक रंजन का पैर फिसलने के कारण पानी का तेज बहाव में गिरने से पानी में कहीं बह गया, जिसके कारण उसके साथ आए दोस्तों और भाइयों ने काफी खोजबीन की और उसका पता नहीं चल पाया। उसके बाद उसकी सूचना उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को दी, जिससे उन लोगों ने भी खोजबीन में जुटे पर कोई उसका पता नहीं चल पाया। उनके साथ आए दोस्त ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहां के प्रशासन बार बार जनता से अपील की कि बरसात के दिनों में वहां खतरनाक जोन है, कोई भी व्यक्ति ना जाए क्योंकि हमेशा घटना घटती रहती है, जिसे खोजबीन में प्रशासन और जनता को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। चतरा जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बताइए भैया, कहाँ से आए थे? हम लोग बिहार से आए हैं, गया जिला से, इमामगंज थाना हम लोग को पड़ता है। मेरा छोटा भाई था, उसका नाम ऋतिक रंजन था। हम लोग यहाँ घूमने आए थे, इसी दौरान वो तालाब को पार कर रहा था, पैर फिसल गया। समथिंग 8:30 से वो उसमें है, अभी तक उसका कोई खबर नहीं मिला। प्रशासन को आप लोग सूचित किए? नहीं, प्रशासन से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, नेटवर्क ही नहीं काम कर रही है। और ग्रामीणों से? ग्रामीणों को सूचित किया, ग्रामीण कुछ गए हैं वहाँ पे, बट कोई अंदर जाने से डर रहा है। यानी सहयोग मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग चाहिए। प्रशासन आए, अब इसे खुशखबर करे मेरे भाई को, कहाँ है, कैसे है, क्या हालत में है, कहाँ पे है अभी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।